Logan? गीला है, गीला है, गीला है। नहीं तो तोती तो सब ऐसा ही लोग वही मैं वहाँ भी कह रहा था ना, चलो हाँ नहीं होगा यहाँ बहुत ठंडा है। आपको बिलवाओ वाला लेके आना चाहिए था लेकिन खैर जब नहीं लाएंगे तो इसके ऊपर वो हाँ हाँ वो ठीक हो जाएगा, देर हो गई जाएंगे तब झंडे बना लो अभी आज सीधा सीधा हाँ सीधा उधर बनाएंगे ना तो सब बनाएंगे। कितना बढ़िया है चारों तरफ बस्ती है साइकिल वाला साइकिल वाला हो गया तरफ से चलो यहाँ नहीं है लाइट आ जाए। डेनमार्क स्वीडन का सबसे बड़ा एनिमी था, वार होते रहते थे तो मिडिल ऑफ 1600 में हॉस्टिलिटी ख़त्म हुई लेकिन फिर भी जो है डर लगा रहता था। तो किंग कार्ल गुस्ताफ 11 कार्ल्स क्रोना आए तब पुराने में सी से लिखते थे ना, के से नहीं लिखते थे। उसके प्रॉब्लम ये थी कि स्टॉकहोम में अगर नेवल बेस बनाया जाए तो जाड़े में जम जाएगा, क्या जम जाएगा। क्या करेंगे भाई वहाँ पर सब फ्रोजन हो जाएगा, सब फ्रोजन हो जाएगा जब इतना बड़ा सी फ्रोजन हो जाता है। हाँ तब उन लोगों ने डिसाइड कार्लस्क्रोना आए तो वो तो आर्किपेलागो है, स्टॉकहोम से भी ज़्यादा सब पानी है, आइलैंड है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बनना चाहिए हमारा नेवल बेस जो डेनमार्क के सबसे नज़दीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी वार करने की तो हमारा काम करेगा। तो उसको ऑर्डर दिया गया 1639 में या जो भी कुछ हो 1641 से बनना शुरू हुआ। और इस समय ये स्वीडन का सबसे बड़ा नेवल बेस है, तरह की उनकी पनडुब्बियाँ हैं, बड़े बड़े शिप हैं यहाँ रहते हैं और स्वीडिश नेवी उसको मेंटेन करती है। और इतना ही नहीं पानी से अटैक को भी रिपील कर सकती है, लैंड अटैक को भी रिपील कर सकती है। और इस तरह से उसको बनाया गया है तभी तो सब तरह तो पानी है ना। और शहर की रिकॉग्निशन भी मिली है करीब समथिंग 1800 में कार्लस्क्रोना एज ए शहर का, तो इसलिए तो वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। इंस्टीट्यूट वगैरह तो ये सब बहुत बाद में खुले हैं, ब्लैकिंग के वाला तो मेरे ख्याल से वो भी इन्हीं के साथ में होगा जो कंप्यूटराइज प्रोग्राम और अदर टेली कम्युनिकेशन का भी तो टेंशन का आदमी नहीं है, इंदौर का भी नहीं है, अभी नहीं है बहुत बढ़िया सूरज की वजह से भाई हम लोग को भी देखने को मिल रहा है सूरज जी मस्त हो गए।